हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि भुआ बरी कैसे बनाते हैं। भुआ बरी खाने में बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों, और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। भुआ बरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद बरी को हम डाल देंगे और 1 मिनट भून के निकाल लेंगे। ज़्यादा बरी को लाल नहीं करेंगे दोस्तों, ज़्यादा लाल करने से बरी नहीं गलता है। बरी को हम 1 मिनट भून लिए हैं दोस्तों, अब हम बरी को निकाल लेंगे। देखिए बरी हम ज़्यादा लाल नहीं करे हैं दोस्तों, देखिए हम कम ही बरी को लाल किए हैं। अब बचा हुआ तेल में फिर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, 2 सूखा लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे। तेल से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगा है दोस्तों। अब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 3 से 4 बड़े प्याज हमने काट के रखे थे, और हम प्याज को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को हम 2 मिनट भून लिए हैं दोस्तों, अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और हम प्याज को फिर से थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से लाल हो गया है दोस्तों, अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब हम पानी को ढक देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। अब हम चेक कर लेंगे दोस्तों, देखिए हमारा पानी में से बॉयल आने लगा है। अब इसमें बरी डाल देंगे और 1 चम्मच हम जीरा गोलकी पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी लगा देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमारा 5 से 6 सीटी लग गया है दोस्तों, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हम कुकर में 5 से 6 सीटी लगा दिए थे दोस्तों, और हम कुकर को ठंडा कर लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे। अब हमारा बरी देखिए कितना बढ़िया गल गया। अगर बरी खड़ा खड़ा थोड़ा सा लग रहा है तो उसको दलघोटने से हम मैश कर लेंगे। हम बरी को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए हम थोड़ा और पानी डालेंगे। बरी ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। बरी खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं तो बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ठंडा पानी डाल रहे हैं इसलिए हम फिर से बॉयल करेंगे। अब हमारा बरी से बॉयल आने लगा है दोस्तों, देखिए अब हमारा बरी बनकर तैयार हो गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।